हेलो गाइस, स्काई पब्लिक। आज मेरा फर्स्ट डे है 100 डेज व्लॉग चैलेंज का। यस गाइस, और मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ और थोड़ा थोड़ा नर्वस भी हूँ। वैसे तो मैं अकेले नहीं हूँ क्योंकि तुम लोग मेरे साथ हो, बट तुम लोग मेरे साथ एक्चुअली में नहीं हो, मेरे साथ ऐसे हो, राइट? आई गेस तुम लोग को समझ गया होगा। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। और आज मैं कहाँ जा रही हूँ, तुम लोग गेस करो कहाँ जा रही हूँ। तुम लोग को पता है कि कभी भी कुछ शुभ काम करने से पहले गणपति बप्पा का नाम लेना चाहिए, राइट? तो मैं जा रही हूँ आज सिद्धिविनायक टेम्पल, क्योंकि फर्स्ट व्लॉग है और मैं चाहती थी कि मेरा फर्स्ट व्लॉग बप्पा से ही स्टार्ट हो। सो इसलिए मैं जा रही हूँ सिद्धिविनायक मंदिर। अब मैंने ना कैसा, मैंने जैसे तुम लोग को बोला था कि दिन का 100 रुपीज में हो जाना चाहिए, तो मैं एवरीडे टिकट लेके नहीं जा सकती। तो मैंने लिया है 350 रुपीज का सेकंड क्लास का पास। मैं फर्स्ट क्लास नहीं जा सकती क्योंकि वो मेरा मतलब बजट से बाहर चला जाएगा। तुम लोग को पता है मेरे को कम सस्ते में करना है, राइट? ये चैलेंज जितना कम हो सकता है उतना। तो आज मैं ट्राई करूंगी कि 100 नहीं, आज मैं ट्राई करूंगी 50 रुपीज में सिद्धिविनायक मंदिर जाने के लिए। सो लेट्स डू दिस चैलेंज। आई एम सो वेरी एक्साइटेड फॉर दिस चैलेंज। आर यू गाइज एक्साइटेड? लेट्स गो। निकल तो गई हूँ मैं गाइस, बट क्या गंदा गर्म हो रहा है, पता नहीं मैं कैसे सरवाइव कर रही हूँ। प्यास तो बहुत लग रहा है, मैंने एक बॉटल पानी ऑलरेडी ले लिया है, बट फट्टे गर्मी है। मेरे जैसा ना कम दिमाग वाले को क्या ही बोलूँ, मतलब सोचो ये चैलेंज लिया वो भी ऐसे टाइम पे जब गर्मी स्टार्ट हो रहा है। ठंडी के टाइम लिया होता तो मज़ा आ जाता सच्ची में। तो गाइज मैं दादर पहुंच चुकी हूँ और मैंने अपना बाल भी ऊपर बांध दिया है क्योंकि मेरा हालत ख़राब हो रहा है गर्मी से ही। इतना पानी पीऊँ ना, तुम लोग को पता है मैंने क्या किया। मैं जब नाला सपरा से चढ़ी, मतलब मैं नाला सपरा में मैंने 2 ट्रेन मिस कर दिया क्योंकि मैं नाला सपरा में सीधा डायरेक्टली लेके दादर आने वाली थी, बट अनफॉर्चुनेटली चढ़ने नहीं मिला, इतना ज़्यादा गर्दी था। तो मैं रिटर्न मार के, विरार से रिटर्न मार के वापस से यहाँ पर आई हूँ। तो अभी मैं दादर पहुँच गई हूँ, अभी मैं इधर जाऊँगी चल के। तो मेरे को मैप डालना पड़ेगा जाने के लिए, तो इसके लिए ना मैं तुम लोग से थोड़ा ही बात कर पाऊंगी। वहां पहुंचते ही मैं वीडियो बना दूंगी, बट फिलहाल तो मेरे को मैप देखिए चलते चलते जाना है ना, क्योंकि तुम लोगों को भी पता है मैं ज्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकती हूँ। मेरे को 50 के अंदर होना चाहिए, तो मैं टैक्सी पकड़ के तो बिल्कुल भी नहीं जा सकती। तो अभी मैं जाऊंगी, यहाँ से निकलूंगी, देखूंगी कहाँ से जाने होता है, फिर मैं ऐसे चल चल के मंदिर पहुंचूंगी, उसके बाद तुम लोग से बात करती हूँ। ओके, देख रहे हो होली का कितना मस्त मस्त टी शर्ट आया है। गाइज मैं अभी तो जा रही हूँ चलते चलते। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, इसका मतलब ये है कि अभी तक मेरा 1 भी रुपया खर्चा नहीं हुआ है। 50 रुपीज़ से टैक्सी लेती तो 20 रुपीज़ का खर्चा होता, बट मैंने टैक्सी नहीं लिया है, मैं बाय वॉकिंग जा रही हूँ, वॉक करते हुए जा रही हूँ, ठीक है? तो अभी तो मैं कुछ नहीं खा रही हूँ। पहले मैं जाऊँगी मंदिर में, उनका दर्शन कर लूँगी, उसके बाद वहाँ से आने के टाइम पे देखूँगी कुछ ऐसा 10-20 रुपये में कुछ खाने को मिल जाए तो के साथ 50 के अंदर ही हो जाएगा। तो उस हिसाब से अभी देखते हैं, मेरे को बहुत ज़्यादा भूख तो लगा हुआ है, तो मैं अभी फ़िलहाल पानी के साथ पानी पी के ही पेट भर रही हूँ। फिर अभी जाऊँगी मंदिर में दर्शन के बाद, फिर देखती हूँ। काफ़ी कुछ अच्छा है, बट मुझे ऐसा लगता है ये 50 के ऊपर का ही रहेगा। लेट्स होप कि 50 के अंदर कुछ अच्छा खाने। अंकल नींबू शरबत कितने का है? 15 का है। गाइज एक ग्लास नींबू शरबत पी लेती हूँ। देख सकते हो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खाने का है। अभी स्ट्रेट वो देखो दिख रहा है क्या तुम लोगों को, वो सिद्धिविनायक है। अरे कैसे दिखेगा यार, अरे यार वो सामने जाके यहाँ पर ना तुम लोग चप्पल रख सकते हो, फ्री है, इसका पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो मैं अभी मेरा चप्पल निकाल दूँ, चप्पल का टोकन है गाइस। मैन का वहाँ पे औरत लोग ज़्यादा आती है मंदिर, लड़के लोग कम आते हैं। गाइस टीएमटी का मई वेदर ऐसा कुछ
आया है, मेरे को इतना नॉलेज नहीं है बट कौन है, बट आया है तो बहुत गर्दी है। पापा के दर्शन हो गए, मैं वहाँ से निकल चुकी हूँ। सो बेसिकली मैंने ना एकदम सामने से दर्शन नहीं लिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्दी था, तो मैंने थोड़ा सा दूर से दर्शन लिया था। प्लस वहाँ पर है ना एक बॉक्सर आया था, फ्लॉयड मैकवेदर मैक ऐसा कुछ तो भी था, मेरे को नहीं पता इतना, बट वहाँ पे पुलिस लोग बोल रहे थे कि फ्लॉयड आए हैं, तो मैंने वीडियो में डाला हुआ है वो आए हैं करके। मैं अभी ना निकल गई हूँ और मैं देख रही हूँ कि मैं कुछ खा सकती, बाप रे बहुत ही आवाज़ है, तुम लोगों को शायद मेरा आवाज़ आ रहा है कि नहीं पता नहीं। मैं अभी देख रही हूँ मैं कुछ खा सकती हूँ क्या। मेरा अभी तक 15 रुपीज़ खर्च हुआ है, वहाँ पर चप्पल रखने के लिए फ्री था तो वहाँ पे पैसा खर्च हुआ नहीं है। लेट्स सी यहाँ पर कुछ भी ऐसा छोटा मोटा खाने मिले, फिर उसके बाद मैं घर निकल जाऊँगी। इधर एक फ्रूट सलाड वाले हैं तो मैं सोच रही हूँ वहाँ पर ही पूछूँ कितने का है। लेट्स गो भैया, फ्रूट सलाड कितने का है? कितना? 30 का है। मैं ये ले रही हूँ, 30 रुपीज़ का है, बहुत कम है मुझे पता है, बट इसी से काम चलाना पड़ेगा। थैंक यू। मैंने देखा ना 30 रुपीज़ का हुआ, तो मतलब 30 + 15 = 45 हुआ है, 5 रुपये अभी भी बचा हुआ है। सो दैट मीन्स मेरा 45 रुपीज़ ही खर्चा हुआ है आज सिद्धिविनायक जाके आने तक। देखो मैं सर्वाइव कर सकती हूँ, देखा कितना अच्छा बात है कि मैं 50 रुपये में भी दिन पूरा निकाल सकती हूँ। सो अभी मेरा 350 रुपीज़ खर्चा हो गया था, मेरा 5000 का बजट है महीने का, तो दैट मीन्स 350 खर्चा, 350 प्लस 45 हुआ है, 395 रुपीज़ खर्चा हुआ है। और मुझे मेक श्योर करना है कि 3000 से ज़्यादा मैं ना लेके जाऊँ इस महीने का खर्चा। घर मैं पहुँच गई, घर थक गई हो बहुत ज़्यादा। अयो बहुत ही गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। वेट 1 सेकेंड। सो गाइज मैं घर पे आ चुकी हूँ और मैं बहुत ज़्यादा थक गई, इतना ज़्यादा धूप था। ये चैलेंज बिल्कुल भी इजी नहीं है, मतलब मैं वहाँ पर चलते चलते मैं बोल रही थी कि बहुत ज़्यादा इजी है, मैं तो 50 में यू नो सर्वाइव कर सकती हूँ। इतना गंदा भूख प्लस इतना धूप में इतना ज़्यादा प्यास लगता है, मेरा पूरा बॉटल ख़त्म होने के बावजूद मेरे को प्यास पे प्यास लगता जा रहा था। एंड मैं फिर इसलिए मैंने वो यू नो तुम लोग ने देखा जाए तो नींबू जूस पिया, बट फिर उसके बाद मेरे को एक्सीड भी नहीं करना था 50 से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और इतना गंदा भूख लगा, इतना ज़्यादा गंदा। सो गाइज मैं अभी घर पर आ चुकी हूँ, तो अभी मैं देखूँगी, थोड़ा सा सो जाऊँगी, थोड़ा आराम करूँगी क्योंकि फिर उठ के मुझे एडिट करना है वीडियो। गाइज ऐसे ही वीडियोज़ मज़ेदार व्लॉग्स देखना है तो जाओ जाकर लाइक करो, कॉमेंट करो कोई भी ऐसी अच्छी जगह जहाँ पर मैं विजिट कर सकती हूँ, मेरे बजट के अंदर भी वो आ जाए, मतलब मैं चल के बाय वॉक जा सकती हूँ, इतना कम डिस्टेंस हो, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं। जैसे आज मेरे को आधा घंटा चलना पड़ा जाने के टाइम पे, आधा घंटा वापस से आते वक्त भी चलना पड़ा था, तो ठीक है आज का तो चल जाता है। बट तुम लोग अगर कोई मुझे कमेंट करके बताएगा कोई ऐसी जगह, बस अच्छा जगह बताना, मैं चली जाऊँगी वहाँ पर और वहाँ का भी व्लॉग बना के डालूंगी। बाकी मुझे मज़ा तो बहुत आया ऐसे अकेले निकल के जाने का, ऐसा टाइम पास करने का, सब ऐसे देख रहे थे, थोड़ा सा मेरे को नर्वस हो रहा था, शिट कोई कुछ बोलेगा कोई कुछ बोलेगा, बट किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ देख रहे थे, मैं वीडियोस बना रही थी तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा आज, बहुत मज़ा भी आया। तो गाइज ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना और मुझे फॉलो करना इंस्टाग्राम में @desi_mulgi_. सो मैं मिलती हूँ तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।